नमस्कार दोस्तों, आप सभी का HRI न्यूज पर स्वागत है। आज के मुख्य समाचार आगे जानेंगे एक एक करके, आप तक वो खबरें पहुंचाएंगे जो गोदी मीडिया नहीं दिखाता है। तो दोस्तों, आपसे रिक्वेस्ट है, अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं और आप लोग भी EVM का जबरदस्त तरीके से आने वाले पश्चिम बंगाल के चुनाव में विरोध करते हैं और CM ममता बनर्जी की पार्टी TMC को जीतते हुए देखना चाहते हैं, तो अभी वीडियो को लाइक करके अपना समर्थन भी दर्ज करवाइए। पहली बड़ी खबर जानते हैं दोस्तों, भारत बंद को लेकर दोस्तों बेहद बड़ी खबर है। बढ़ती तेल कीमतों के विरोध में शिवसेना नेताओं और कार्यकर्ताओं ने प्रदर्शन कर स्कूटी में लगाई आग। आपको दोस्तों बताते चलें, देश में लगातार पेट्रोल डीजल और रसोई गैस की बढ़ती कीमतों GST ई बिल को लेकर व्यापारिक संगठन द कॉन्फेडरेशन ऑफ ऑल इंडिया ट्रेडर्स की तरफ से आज भारत बंद का ऐलान किया गया है। भारत बंद में देश भर के 8 करोड़ व्यापारियों का प्रतिनिधित्व करने वाले करीब 40,000 ट्रेड एसोसिएशन ने कॉन्फेडरेशन ऑफ ऑल इंडिया ट्रेडर्स यानी कि कैट की तरफ से किए जाने वाले भारत बंद का समर्थन किया है। और वहीं भारत बंद के समर्थन में संयुक्त किसान मोर्चा ने भी यहां पर अपना समर्थन दिया है और आज देश भर में व्यापारियों ने भारत बंद का ऐलान किया है। देख सकते हैं दोस्तों, बेहद बड़ी खबर इस समय के सामने निकल के आ रही है। एक और खबर की तरफ चलते हैं, हरियाणा में कांग्रेस ने किया अविश्वास प्रस्ताव लाने का ऐलान, दुष्यंत चौटाला की बढ़ सकती है मुश्किलें। दोस्तों अहम खबर है, केंद्र की नरेंद्र मोदी सरकार द्वारा बनाए गए 3 नए कृषि कानूनों के खिलाफ हरियाणा के किसान लगातार आंदोलन कर रहे हैं। किसानों का कहना है कि किसान तब तक शांत नहीं बैठेंगे जब तक कि इन तीनों ही कानूनों को मोदी सरकार खत्म नहीं कर देती। इसी बीच हरियाणा की राजनीति में कांग्रेस ने एक बड़ा दांव चल दिया है। कांग्रेस ने विधानसभा में बजट सत्र के दौरान हरियाणा राज्य की सरकार के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव लाने का फैसला किया है। यदि कांग्रेस अविश्वास प्रस्ताव लेकर आती है तो इसे प्रस्ताव को मंजूर करना है या नहीं करना है या फैसला तो विधानसभा के अध्यक्ष द्वारा किया जाएगा, लेकिन यदि अविश्वास प्रस्ताव मंजूर होता है तो इसके बाद बड़ी समस्या JJP के सामने होगी। अधिकांश जाटों के समर्थन से सत्ता की कुर्सी पर बैठने वाली JJP के अध्यक्ष दुष्यंत चौटाला को फिर खुलकर सामने आना होगा और साफ हो जाएगा कि JJP किसानों के साथ होती है या भाजपा के साथ रहती है। ऐसा माना जा रहा है कि अधिकांश किसानों के वोट से ही JJP के विधायक जीतकर विधानसभा पहुंचे हैं। ऐसे में अविश्वास प्रस्ताव में किसानों का खुलकर विरोध करना JJP विधायकों के लिए उतना आसान नहीं होने वाला है। तो देख सकते हैं दोस्तों, हरियाणा में दुष्यंत चौटाला की मुश्किलें कम होने का नाम नहीं ले रही हैं और कभी भी हरियाणा में खट्टर सरकार गिर सकती है। एक और खबर की तरफ चलते हैं दोस्तों, कन्हैया कुमार ने ली है गृह मंत्री अमित शाह पर चुटकी, बोले युवाओं को ना रोजगार है ना ही फैक्ट्री, बस खुद का बेटा क्रिकेट सेक्रेटरी। दोस्तों बता दें, केंद्र के सत्तारूढ़ मोदी सरकार द्वारा किए गए 2 करोड़ रोजगार देने के वादे को अभी तक मोदी सरकार ने पूरा नहीं किया है। इसके विपरीत बीते साल से कोरोना महामारी के चलते देश में भयंकर बेरोजगारी छा चुकी है। आलम यह है कि चपरासी की नौकरी के लिए ग्रेजुएट और पोस्ट ग्रेजुएट युवा आवेदन कर रहे हैं। देश में बढ़ रही बेरोजगारी के मामले में मोदी सरकार विपक्षी दलों के साथ साथ युवाओं के निशाने पर भी आ चुकी है। इस मामले में केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह के बेटे जय शाह पर भी अक्सर विपक्षी दलों के निशाने पर बने रहते हैं। दरअसल जब से उन्हें BCCI का सचिव बनाया गया है तब से जय शाह और BCCI को सवालों के खटघरे में खड़ा किया जा रहा है। और वहीं CPI नेता कन्हैया कुमार ने भी इस पर चुटकी ली है। उन्होंने ट्विटर पर लिखा है कि युवाओं को ना रोजगार है और ना ही उनके लिए फैक्ट्री, बस खुद का बेटा क्रिकेट सेक्रेटरी। यहां पर देख सकते हैं कन्हैया कुमार ने जोरदार तरीके से घेरा है अमित शाह के बेटे जय शाह को। वहीं दोस्तों एक और खबर जानते हैं, प्रधानमंत्री के संसदीय क्षेत्र में ABBP का सुपड़ा साफ, NSUI ने काशी विद्यापीठ छात्र संघ चुनाव में लहराया झंडा। दोस्तों प्रधानमंत्री मोदी के संसदीय क्षेत्र वाराणसी के महात्मा गांधी काशी विद्यापीठ के छात्र संघ चुनाव में RSS के छात्र संगठन ABBP का सुपड़ा साफ हो गया है। काशी विद्यापीठ छात्र संघ के प्रतिष्ठित चुनाव में ABBP को बड़ा झटका देते हुए NSUI के पैनल ने ऐतिहासिक जीत दर्ज की है। आपको बता दें कि NSUI ने उपाध्यक्ष महामंत्री समेत 8 में से 6 संकाय प्रतिनिधि पद पर कब्जा किया है। तो देख सकते हैं दोस्तों, बड़ी खबर है। एक और खबर जान लेते हैं इसी के साथ, कोलकाता में ममता की महारैली, शरद पवार अखिलेश केसिया समेत कई नेता हो सकते हैं इसमें शामिल। दोस्तों बंगाल में सियासी अखाड़ा सज चुका है और हर दल अपने दांव दिखा रहा है, लेकिन असली टक्कर BJP और दीदी के बीच में ही है। दीदी है पूरी तैयार और BJP के तेवरों के पलटवार के बीच एक तरफ BJP सोनार बंगाल के अपने मिशन पर है, तो वहीं
ममता बनर्जी भी पीछे नहीं हैं। सूत्रों के अनुसार 27 फरवरी को कोलकाता के ब्रिगेड परेड मैदान में एक रैली आयोजित करने वाली हैं ममता बनर्जी। खबरों के अनुसार इस रैली में राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी के शरद पवार, झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन और यूपी के पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव और तेलंगाना सीएम केसीआर और आपको बता दें चंद्रबाबू नायडू और कर्नाटक के पूर्व मुख्यमंत्री एचडी कुमार स्वामी इसमें शामिल हो सकते हैं। वहीं दोस्तों इसी के साथ अगली खबर जान लेते हैं। चीन के साथ कारोबार बढ़ने के मुद्दे पर शिवसेना का मोदी सरकार पर हमला। शिवसेना ने केंद्र सरकार की आलोचना करते हुए कहा कि सीमा पर गतिरोध के बाद एक और चीनी उत्पादों के बहिष्कार का आह्वान होता है और उस देश के कुछ ऐप को प्रतिबंधित किया जाता है, जबकि दूसरी ओर पड़ोसी देश 2020 में भारत का सबसे बड़ा कारोबारी साझेदार बनकर उभरता है। आपको बता दें कि पार्टी ने आरोप लगाया कि सरकार एक बार फिर चीनी कंपनियों के लिए लाल कालीन बिछा रही है, लेकिन उसे यह नहीं भूलना चाहिए कि चीन गैर भरोसेमंद और एक अविश्वसनीय पड़ोसी है। शिवसेना ने अपने मुखपत्र सामना में प्रकाशित संपादकीय में लिखा, पिछले हफ्ते भारत और चीन के बीच सीमा पर तनाव कम हुआ, दोनों देशों के बीच कारोबारी संबंधों में तनाव कम होता नजर आ रहा है। ऐसी संभावना है कि 45 चीनी कंपनियों को भारत में काम करने की मंजूरी दी जाएगी। आपको बता दें कि दोस्तों भारत में चीनी निवेश पर अंकुश लगाया गया था और आत्मनिर्भर भारत और राष्ट्रवाद को प्रोत्साहित किया था मोदी सरकार ने, लेकिन यहाँ पर देख सकते हैं दोहरा चरित्र मोदी सरकार का सामने निकल के आया है और शिवसेना ने भी जोरदार तरीके से घेरा है केंद्र की मोदी सरकार को भारत और चीन के बीच बढ़ते कारोबार के मुद्दे पर। एक और खबर जानते हैं दोस्तों। ओवैसी की कोलकाता में नो एंट्री, ममता बनर्जी सरकार ने दिया है बड़ा झटका। पश्चिम बंगाल में राजनीतिक जमीन तलाश रहे AIMIM के प्रमुख ओवैसी को पश्चिम बंगाल में ममता बनर्जी की सरकार ने बड़ा झटका दिया है। दरअसल कोलकाता में बीते गुरुवार को होने वाली ओवैसी की रैली को पुलिस ने अनुमति नहीं दी, जिसकी वजह से इस रैली को रद्द कर दिया गया। आपको दोस्तों बता दें कि पार्टी के सूत्रों ने बताया कि ओवैसी को अल्पसंख्यक बहुल इलाकों में रैली के जरिए बंगाल विधानसभा चुनाव से पहले पार्टी का प्रचार अभियान का आगाज करना था, जिसे रद्द कर दिया गया है। यहां पर देख सकते हैं जोरदार झटका लगा है ओवैसी को पश्चिम बंगाल में ममता सरकार की तरफ से। एक और खबर जानते हैं दोस्तों। अमृतसर में सांसद स्वेत मलिक का विरोध, गाड़ी के पीछे दौड़े किसान। जी हाँ दोस्तों, कृषि कानूनों के चलते लगातार किसानों का विरोध प्रदर्शन जारी है। वहीं पंजाब में भाजपा नेताओं को लगातार विरोध का सामना भी करना पड़ रहा है। बीते गुरुवार को अमृतसर के पासपोर्ट कार्यालय में पहुंचे राज्यसभा सांसद स्वेत मलिक को भी किसानों के आक्रोश का सामना करना पड़ा है। उनके कार्यक्रम की भनक लगते ही किसान मजदूर संघर्ष कमेटी के सदस्यों ने वहां पहुंचकर सांसद के खिलाफ जबरदस्त तरीके से विरोध प्रदर्शन किया। पासपोर्ट कार्यालय के बाहर उनके खिलाफ जबरदस्त नारेबाजी की गई। जब वह अपनी गाड़ी से वापस जाने लगे तो किसान उनकी गाड़ी के पीछे भागने लगे और यहां पर सांसद को दौड़ा लिया। तो देख सकते हैं पंजाब और हरियाणा में लगातार किसान जबरदस्त तरीके से विरोध कर रहे हैं बीजेपी नेताओं का, और किसानों में आक्रोश भी इनके खिलाफ बढ़ता ही जा रहा है। एक और खबर जानते हैं दोस्तों। रोजगार मांगने पर यूपी पुलिस ने किया युवाओं को गिरफ्तार। पूर्व IAS बोले, युवा हर लाठी का जवाब सूत समेत लौटा देगा योगी जी। जी हाँ दोस्तों, आपको बताते चलें, एक तरफ जहां दिल्ली में किसान अपने अधिकारों की लड़ाई के लिए खड़े हैं, वहीं दूसरी तरफ देश के बेरोजगार युवा भी मोदी सरकार से रोजगार मांगने के लिए अब सड़क पर उतर रहे हैं। बीते कुछ दिनों से देश में बेरोजगारी को लेकर युवाओं ने मोदी सरकार के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है। और दोस्तों इसी बीच खबर सामने आई है कि उत्तर प्रदेश के प्रयागराज में रोजगार की मांग कर रहे आक्रोशित युवाओं को उत्तर प्रदेश पुलिस ने खदेड़ा है। इस दौरान पुलिस द्वारा 7 छात्राओं सहित 22 लोगों को गिरफ्तार भी किया गया है। और युवाओं को विरोध प्रदर्शन करने से रोकने के लिए भारी तादाद में योगी सरकार ने पुलिस भी वहां पर तैनात की थी। वहीं आपको बता दें, एक वीडियो शेयर करते हुए पूर्व IAS सूर्य प्रताप सिंह ने लिखा है, जब छात्राओं पर लाठियां चलने लगे, समझ लेना सत्ता के दिन लद गए हैं। यहाँ पर यह बेहद बड़ी खबर निकल के आई है दोस्तों उत्तर प्रदेश के प्रयागराज से। दोस्तों यहाँ पर आज की सभी बड़ी खबरें आप लोगों ने जानी है आपके अपने यूट्यूब चैनल पर। अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो लाइक और शेयर कीजिएगा, जिससे कि आपके दोस्त भी इन खबरों को जान सकें। और वहीं अगर अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो लाल कलर के